दोस्तों रेट्रो शावेस के इस नए एपिसोड में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 80s और 90s की सुपर डुपर हिट जोड़ी नदीम श्रवण की। नदीम और श्रवण ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उनको अलग करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, चाहे सिचुएशन कोई भी रही हो। 1997 ये एक ऐसा साल था जब बॉलीवुड के बहुत ही फेमस फिल्म और म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार जी इस दुनिया से जा चुके थे, और उनके जाने के बाद नदीम श्रवण की जो जोड़ी थी वो भी एकदम से बिखर चुकी थी, क्योंकि नदीम श्रवण का म्यूज़िक गुलशन कुमार जी के साथ ही रहा और उनके साथ दोनों ने बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया, सुपर डुपर हिट फिल्में दी। नदीम जी का नाम भी आया गुलशन कुमार जी की कंट्रोवर्सी में, और इस तरह से दोनों की जोड़ी एकदम बिखरने सी लगी थी, और करीब 4-5 साल तक दोनों के पास कोई भी काम नहीं था, अगर था तो बहुत ही कम। गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज का निर्माण किया था और इसी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण अपना शानदार म्यूजिक दिया करते थे। गुलशन कुमार जी की कंट्रोवर्सी के बाद नदीम को हिंदुस्तान छोड़कर लंदन शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नदीम और श्रवण का म्यूजिक बहुत ही कम देखने और सुनने को मिल रहा था। फिर 2001 में कुक्कू कोहली जी ने एक फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था ये दिल आशिकाना, और इस फिल्म के लिए म्यूजिक के लिए चुना गया नदीम श्रवण जी को, और तब दोनों ने एक साथ इस फिल्म में काम करने का फैसला किया। फिल्म ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी जनवरी के महीने में 2002 में, और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और इसका संगीत बहुत ही अव्वल दर्जे का था। फिल्म को हिट कराने में इसके संगीत का बहुत बड़ा हाथ था, और इस फिल्म के बाद नदीम श्रवण की जोड़ी एक बार दोबारा से एक हो गई थी। जब इस फिल्म के गीतों पर काम चल रहा था तब श्रवण जी का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था, और उस इंटरव्यू में श्रवण जी ने बताया था कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आज से दोबारा नदीम और श्रवण एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि नदीम लंदन में ही थे और वहीं से अपने इनपुट दिया करते थे, और श्रवण जी का कहना था कि वो नदीम के दिमाग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और नदीम उनके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई है और हम दोनों एक दूसरे के बिना काम किए बिना रह ही नहीं सकते, अलग अलग काम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। श्रवण जी ने वहाँ पर एक बात ये भी कही कि इन 3-4 सालों में उनके पास ऑफर तो आ रहे थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर यही चाहते थे कि नदीम अलग काम करें और श्रवण अलग काम करें, दोनों एक साथ काम ना करें, और जब ऐसा कोई ऑफर नदीम के पास आता तो वो मना कर दिया करते थे, और ऐसा ही कोई ऑफर श्रवण के पास आता कि तुम्हें अलग होकर काम करना है तो श्रवण जी भी मना कर दिया करते थे। इस तरह की ये दोस्ती थी कि हालात कोई भी हों लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, अलग अलग अपना काम करते रहे लेकिन अपनी दोस्ती को जिंदा रखा। श्रवण जी ने कहा था कि फिल्म ये दिल आशिकाना में नदीम श्रवण की एक तरह से वापसी हुई है और ये जोड़ी दोबारा से इस फिल्म में आई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म का संगीत पूरी दुनिया के आकाश पर राज करेगा और धूम मचाएगा, और वैसा हुआ भी। उनका कहना था कि इस जोड़ी को बनाने में हमें 25 साल लगे हैं। नदीम और श्रवण की जोड़ी 25 साल से एक दूसरे का साथ निभा रही है तो कैसे टूट सकती है। उनका कहना था कि ये फिल्म नदीम और श्रवण के लिए एक नई जिंदगी होगी, और उसके बाद इन दोनों ने और भी कई सारी मूवीज में म्यूजिक दिया जो कि काफ़ी हिट भी रहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज श्रवण जी हमसे बिछड़ चुके हैं। पिछले साल ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन सैल्यूट है इन दोनों की दोस्ती को। एक अलग अलग धर्मों से होने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, चाहे हालात कोई भी हो। आज तो हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस लड़ने और मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी मिसालें बहुत कम हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। नदीम और श्रवण दो जिस्म एक जान, जो कि हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी खुशी मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने नदीम श्रवण जी के इंटरव्यू से ली है। थैंक यू वेरी मच।